पवन सिंह के गाने ट्रेंडिंग में क्यों नहीं आ रहे हैं? जी हाँ, अभी आपने हाल ही में देखे होंगे कि पवन सिंह के दो गाने रिलीज़ हुए, लेकिन दोनों गाने ट्रेंडिंग में नहीं थे। और तो और, श्वेता महारा के साथ जो गाना रिलीज़ हुआ है पवन सिंह का, उस गाने ने तो काफ़ी कम व्यूज़ हासिल किए हैं। हाँ, ये बात और है कि काफ़ी कम सब्सक्राइबर के साथ ये गाना रिलीज़ हुआ, लेकिन इस गाने का प्रमोशन भी पवन सिंह के और गानों के मुकाबले कुछ ज़्यादा ही किया गया। इसके वीडियोस भी काफ़ी वायरल हुए थे, लेकिन जब बात करें गाने की तो गाने ने वो पिकअप नहीं पकड़ी जैसे कि लाल घाघरा, हरी हरी ओढ़नी इस गाने ने पकड़ी थी। इसके पीछे रीज़न बताया जा रहा है कि बैक टू बैक पवन सिंह के कई गाने आ रहे हैं, तो इस वजह से लोगों का ध्यान इस गाने पर नहीं गया। लेकिन इस गाने में वो खास बात भी नहीं है जो पवन सिंह के हरी हरी उड़नी और लाल घाघरा में थी। दोनों के लिरिक्स काफ़ी कैची थे। इस गाने में अगर आप देखेंगे तो ना तो लिरिक्स कैची थी और ना ही पवन सिंह ऐसा लगा कि बुझे मन से इस गाने को गा रहे हैं, और इसकी शूटिंग भी वो बुझे मन से ही कर रहे हैं। कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई पावर स्टार वाली एंट्री नहीं है, और इस वजह से गाने ने बहुत कम व्यूज़, यानी 1.7 मिलियन का व्यूज़ ही एक दिन में हासिल किया, जो कि पावर स्टार पवन सिंह के अभी हाल ही में रिलीज़ सभी गानों से काफ़ी कम था। अब रही बात कि गाने ट्रेंडिंग में क्यों नहीं आ रहे, गाने ट्रेंडिंग में इसीलिए नहीं आ रहे हैं कि जनता को उस हद तक पसंद नहीं आ रहे हैं, और अगर जनता को गाने नहीं आएंगे तो ट्रेंडिंग में आना फिलहाल के लिए इम्पॉसिबल है। वैसे इन दिनों खेसारी लाल यादव जमकर ट्रेंडिंग में बने हुए हैं, और कारण भी आप सभी को पता है, क्योंकि खेसारी के गानों की क्वालिटी काफ़ी बेहतर है। तो क्या कहेंगे आप हमारे इस रिपोर्ट के बारे में, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।